बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं टीचर्स के लिए, चाहे वो प्राइवेट हैं या चाहे सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूँ, क्योंकि पंजाब के अंदर मास्टर ट्रेनर्स की जॉब्स आ चुकी हैं, जो कि तकरीबन 1617 हैं। और इसमें जो है वो पंजाब के किसी भी ज़िले से, किसी भी तहसील से लोग जो है वो, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा आसान है, जो कि मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मास्टर ट्रेनर का थोड़ा सा तारुफ बता दूं और ये बता दूं कि ये जॉब्स कहाँ पर आई हुई हैं। बेसिकली ये एक इदारा है जो टीचर्स को ट्रेनिंग फ्राहम करता है, जिसका नाम जो है वो QAED है, कदयासम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इसका नाम है। और इसका जो ऑफिस है ये लाहौर में है, बेसिकली जो जहाँ से ऑपरेट होता है। और इसके अंडर ये होता है कि जो टीचर्स डिफरेंट स्कूलों में जो वो काम कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी हैं, चाहे सेकेंडरी हैं, चाहे मिडिल में पढ़ा रहे हैं, उनकी जो है वो ट्रेनिंग करना, मुख्तलिफ करिकुलम के हवाले से या मुख्तलिफ और भी जो ECE के हवाले से, डिफरेंट जो भी और काम होते हैं इसमें, तो उसके हवाले से टीचर्स को जो है वो ट्रेनिंग फ्राहम करना, ये मास्टर ट्रेनर्स का काम है। और ये जो है वो QAED के अंडर आता है। तो इसके जो कॉलेजेस पर हैं, एलिमेंट्री कॉलेजेस QAED के, ये हर तहसील या हर ज़िला के अंदर बने हुए हैं। तो इसमें जो है वो कोई भी आसानी के साथ अप्लाई कर सकता है और इसमें जो है वो ज्वाइन कर सकता है एज ए मास्टर ट्रेनर। तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बता दूं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में जो मास्टर डिग्री हासिल की हुई हो, या आपकी जो BS 4 ईयर आपकी डिग्री जो है वो कम्प्लीट होनी चाहिए, चाहे आपका सब्जेक्ट उर्दू है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, इकनॉमिक्स है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है और आप मास्टर्स हैं। और इसके अलावा जो है वो आपको जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी जो है वो स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है या चाहे कोई सरकारी स्कूल है। आपको ये जो सब्जेक्ट है आपका, जिसमें आपने मास्टर किया है, तो इनको पढ़ाने का आपका जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आपकी एज 20 साल है, चाहे 40 साल है, चाहे 30 साल है, चाहे 50 साल है इवन, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है और मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इसमें मज़े की बात मज़ीद ये है कि इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो फ़ायदा हो सकता है फाइनेंशियली, क्योंकि एक दिन अगर आप जो है वो पढ़ाएंगे तो आपको जो है वो 3,000 तकरीबन जो है वो 3,000+ आपको रुपए जो है वो डेली वेजेस के तौर पर दिए जाएंगे। और साथ अगर आप किसी दूर के इलाके से आए हैं तो आपको साथ TA DA, और अगर आप रहना चाहते हैं तो हॉस्टल की फैसिलिटी, खाने पीने की फैसिलिटी भी आपको जो है वो फ्राहम की जाएगी। तो इसमें मैं थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल इस लिहाज से दे सकता हूँ कितने पैसे मिलेंगे। फर्ज़ कि आप जो है वो 1 महीना ट्रेनिंग कराते हैं टीचर्स की, चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी हैं, उनकी आप जो है वो 1 महीना सिर्फ ट्रेनिंग कराते हैं और हर दिन के हिसाब से आपको 3,000 रुपये मिलते हैं, तो तकरीबन ये 90,000 रुपये बन जाते हैं 1 महीने के। और साथ अगर TA DA वगैरह भी वो भी शामिल किया जाए तो ये रकम जो है वो 1 लाख से ऊपर चली जाती है। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको जो है वो सरकारी जो तनख्वाह मिल रही है ऑलरेडी एज टीचिंग, आपको जो तनख्वाह वगैरह मिल रही है वो भी आपको मिलती रहेगी, और साथ में जो है वो ये आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो दी जाएगी। तो अगर कोई बंदा इस तरीके से जो है वो 1.5 लाख या इवन 2 लाख भी कमा ले तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदे की बात है। और इसमें मज़े की बात यह है कि कोई भी प्राइवेट टीचर भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई जो है वो सरकारी टीचर हो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाता है वही सिर्फ अप्लाई कर सकता है, बल्कि प्राइवेट टीचर जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने का, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में अगर आप एल हुए, चाहे आप सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, तो आपको जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें मज़ीद इसमें ये अच्छी बात है कि हर ज़िले के अंदर जो है वो तकरीबन 50, 60, 70 इतनी ज़्यादा सीटें मौजूद हैं। तो ज़्यादातर लोग इस बात से घबराते हैं कि जो है वो हमारे जिनको हम पढ़ाएंगे वो भी हमारे जैसे ही टीचर होंगे, मतलब हमारी उम्र के टीचर होंगे, तो उनको हम कैसे पढ़ाएंगे, मतलब उनके जहन में एक जो है वो इस तरह झिझक सी होती है या एजिटेशन सी होती है और वो इसमें अप्लाई नहीं करते। तो ऐसे जो लोग हैं, जो चाहे जिनके नंबर कम भी हैं या चाहे जो प्राइवेट इदारों से बिलोंग करते हैं, वो भी इसमें अप्लाई करें, तो यकीनन इस बाज़ लोगों के इस कमज़ोरी की वजह से उनको भी ये चांस यकीनन मिल जाएगा कि वो भी जो है वो इसमें आसानी के साथ जो है वो सिलेक्ट हो सकें। तो मज़ीद इसमें फ़ायदे की बात यह है कि आपकी अपनी तहसील में जो है वो ये जॉब होगी, मतलब आपको अपनी तहसील में बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी दूर के इलाके में, अगर आप चकवाल के रहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आपको मरी में बुला लिया जाए या किसी और दूर दराज के इलाके में बुला लिया जाए, बल्कि आपके अपने इलाके में, आपकी तहसील में मोस्ट प्रोबेबली जो आपका जो है वो ट्रेनिंग सेंटर बने वहाँ पर आपको जो है वो बुलाया जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी से आप जो है वो लाजमी फ़ायदा उठाएँ। तो इसमें कोई अप्लाई करने की फ़ीस भी नहीं है, ना 400 ना 500 कुछ भी नहीं है, तो फिर तो आपको जो है आसानी से अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो इसकी अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए अभी मैं आपको इश्तहार भी इसका भी आपके सामने अभी शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मज़ीद इश्तहार की डिटेल लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को विजिट करें और वहाँ पर मैं जो है वो लिंक दूंगा, जहाँ से आप जो है इस एडवर्टाइजमेंट को आसानी देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने का तरीका यह है कि जो QAED की वेबसाइट है, ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है QAED.edu.pk, उस पर आपने जाना है और उस पर वहाँ पर जो सेक्शन बना होगा ये टीचर मास्टर ट्रेनर भर्ती के हवाले से, उसमें आपने जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और कुछ ईयर से बाद जब ये डेट क्लोजिंग हो जाएगी, इसकी डेट जो है वो 2 तारीख है, अगले महीने के 5वें महीने की 2 तारीख की लास्ट डेट है, तो अब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये क्लोजिंग हो जाएगा उसके बाद जो है वो
15-20 दिन बाद या मे भी महीने बाद जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो आप वहाँ पर बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू दें। ये इस वाले से मैं मज़ीद एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकेंगे, उस वाले से मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या क्या चीज़ है वो आपको तैयार करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, उम्मीद है आपको इस बारे में समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द उसका जो है वो रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो के एंड पे आपसे एक इल्तिमास है, मेरे चैनल टॉप आईडी वर्ल्ड प्लस में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाली जो वीडियोज़ हैं इस हवाले से उनके अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।